तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज निकालने की बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, और ये फॉर्मूला जो है हर जगह हर तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई ट्रिक भूल भी गए हैं तो ये जो है बेस फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से आप किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो देखिए, रुपीज़ 5,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पर हमारा क्या, यहाँ पर हमारा मूलधन अगर हम बात कर लें तो देखिए, यहाँ पर हमारा मूलधन जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं वो है ₹5,000। दर की अगर हम बात कर लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है हमारा 10%, और अगर समय की हम बात कर लें ये है टाइम, ये है हमारा 2 वर्ष। दोस्तों तो अब हमको निकालना है चक्रवर्ति ब्याज। जो चक्रवर्ति ब्याज निकालने के लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ता है मिश्रधन, जिसका सूत्र होता है मूलधन गुणे 1 + 10/100 / समय। अगर यहाँ से हम देखें तो मूलधन है हमारा 5,000, दर की अगर बात कर लें तो दर है हमारा 10%, और 10% को 100 से भाग करेंगे, और समय की अगर हम बात कर लें तो समय हमारा, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए 5,000 जीरो से जीरो कटा, जब इसको प्लस करेंगे तो 10/100 / 5,000 11 10/10 जीरो से करा, जीरो से जीरो से जीरो, तो हो जाएगा हमारा 50 × 121। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा 6050। तो ये हमारा क्या हो गया, मिश्रधन। अब हमको दोस्तों निकालना है चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज जिसका सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो देखिए मिश्रधन हमारा क्या आया, 6050, मूलधन हमारा ये देखिए पहले से ही था 5,000, तो हमारा अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो ₹1,050 हमारा आ गया क्या, चक्रवर्ती ब्याज। तो देखिए कितनी आसान ट्रिक है, हालांकि इसका देखिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है हमारा 1 + R/100 / n-1। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ पर आप ये लगा सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, अन्यथा की स्थिति में आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।